कांग्रेस का जो हाथ है ना वो खून से सना हुआ हाथ है और लोकतंत्र की हत्यारी है, प्रजातंत्र की हत्यारी है, जनता की हत्यारी है। नॉर्थ ईस्ट के लोगों के साथ कैसा दमन किया है आपने सुना ही, माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि एयर स्ट्राइक किया, तो उसके पास कोई जवाब नहीं था, क्या करते? जिनका लक्ष्य सत्य नहीं लेकिन परिवारवाद है, जिनका लक्ष्य राष्ट्र का विकास नहीं बल्कि राष्ट्र के विकास की तिजोरी को लूटना है, वो माननीय प्रधानमंत्री जी को नहीं सुनना चाहेंगे, क्योंकि ना राष्ट्र के विकास को वो पचा पा रहे हैं, ना आंतरिक सुरक्षा संबंधित अमित शाह जी के बयान को वो पचा पा रहे हैं, ना इस बात को स्वीकार पा रहे हैं कि राष्ट्र ने प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में बार बार विश्वास दिखाया है। जैसा कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा, यही विपक्ष और भी कम संख्या में 2028 में पुनः इस प्रकार का प्रस्ताव लाए ताकि हम सरकार की ओर से नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व के संदर्भ में और राष्ट्र के विकास के संदर्भ में जनता के सम्मुख अपने पक्ष को रखें। वॉकआउट कर गया जब पीएम बोल रहे हैं, तो क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हमारे विपक्ष के साथियों का लोकतंत्र में कोई विश्वास नहीं है, वो अविश्वास प्रस्ताव लेकर आते हैं, अपनी बात कहते हैं और उसके बाद प्रधानमंत्री जी को सदन में लाने की जिद पर अड़े हुए थे, प्रधानमंत्री जी के वक्तव्य की जिद पर अड़े हुए थे, लेकिन उस वक्तव्य को सुनने का धैर्य भी उनके अंदर नहीं था। और ये पूरे देश ने देख लिया है कि इनके लिए शासन, सत्ता, राजनीति सर्वोपरि है। ये देश के प्रधानमंत्री के वक्तव्य को सुनने का भी अगर धैर्य नहीं दिखा सकते हैं तो ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन मुझे लगता है कि आज के इनके बहिष्कार और वॉकआउट से इन्होंने स्वयं देश के सामने अपनी कलई खोलने का काम किया। 2 घंटे से ज्यादा का समय लिया और जो जवाब के सिलसिले में उसके बावजूद वॉकआउट कर रहे। बहुत ही शानदार भाषण किया प्रधानमंत्री जी ने और मैं समझता हूँ कि जो भी प्रश्न उन लोगों ने खड़े किए थे सबका समुचित उत्तर उन्होंने दिया। लेकिन प्रतिपक्ष ने मर्यादाओं का पालन नहीं किया है जो लोकतंत्र की मर्यादाएं होती हैं। मुझे लगता है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने लोकतंत्र की बात की और अपोजिशन को भी अपनी बात रखने का अधिकार है, लेकिन अलग अलग गलत भाषा से प्रयोग नहीं करना चाहिए, ऐसे आरोप नहीं करना चाहिए। और मणिपुर के विषय पर भी उन्होंने बोला कि भाई मणिपुर पर चर्चा हम चाहते थे लेकिन विपक्षी दलों ने मतलब उस चर्चा में भाग नहीं लिया, लेकिन आज माननीय प्रधानमंत्री उस विषय पर बोलने वाले थे लेकिन कांग्रेस पार्टी ने वॉकआउट किया, अपोजिशन ने वॉकआउट किया, ये बात अच्छी नहीं है। उन्होंने अविश्वास प्रस्ताव लाया था और उन्होंने आखिर तक मतलब उनकी भूमिका सुनने की आवश्यकता थी लेकिन वो विपक्षी दल हाउस से भाग गए थे। अविश्वास प्रस्ताव भी गिर गया। हाँ, मतलब अविश्वास प्रस्ताव तो गिरने वाला है तो उनको मालूम ही था कि हमारे पास बहुत बड़ी मेजोरिटी है और इसीलिए वो भाग कर चले गए। विपक्ष की एक ही सोच विचारधारा है, विपक्ष के लिए देश महत्वपूर्ण नहीं है, विपक्ष के लिए अपना दल और स्वतः ही महत्वपूर्ण है और आज ये सिद्ध हो चुका है। जिस अविश्वास प्रस्ताव लेके आए थे वो जनता का अविश्वास विपक्ष के प्रति है और वो आज इस सदन में सिद्ध हो गया। सर, आपने प्रस्ताव गिर गया, क्या कहेंगे इस विषय पर? हमने तो प्रस्ताव गिराने के पक्ष में वोट डाला था तो प्रस्ताव गिरना ही था। लेकिन सर, वॉकआउट करने की क्या वजह है? हमने वॉकआउट नहीं किया, कांग्रेस पार्टी ने। क्या वजह है, क्या लग रहा है पीएम तो लगातार बात कर रहे हैं? क्योंकि उनको पता है कि नंबर्स नहीं है, तो नंबर्स नहीं है तो फायदा क्या वोट करा।